Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and staying safe. Students, I am your reasoning teacher Prachi. So let us begin with the today's class for grade 2. Okay. So we were doing the chapter patterns, and you all know patterns means that I have explained you in the last lecture. So it means when the object repeat itself in a particular order, then it forms a pattern. Okay, so here are some examples of patterns in numbers. Alright, so बच्चों हमने last class में patterns in numbers में कुछ examples पढ़े थे, right? आज हम बच्चों उसको continue करेंगे और few more examples we will take to learn more about patterns in numbers. Okay, so बच्चों first example हमने लिया है यहाँ पर. There is a rope. Okay, and बच्चों यहाँ पे कुछ numbers हमने यहाँ पे लिखे हैं, which is 1, 3, 5, and 7. Okay, so बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे observe करेंगे that here यहाँ पे बच्चों patterns कैसे form हो रहा है. यहाँ पे पैटर्न्स में बच्चों अल्टरनेट नंबर्स हमने यहाँ लिखे हैं, राइट? वन के बाद बच्चों देखो थ्री लिखा है, दैट मीन्स वन के बाद यहाँ पे हमने टू को मिस किया है, राइट? और वी कैन ऑल्सो से टू को हमने यहाँ पर स्किप किया है. ओके, सो वन के बाद थ्री लिखा है, थ्री के बाद में बच्चों हमने यहाँ पे फोर को स्किप किया है, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे 5 लिखा है, राइट? 5 के बाद बच्चों बताओ हमने क्या स्किप किया है. हेयर 6 नंबर इज स्किप्ड, राइट? एंड देन 7 यहाँ पे हमने लिखा है. सो 7 के बाद बच्चों नाउ यू ऑल विल टेल मी विच नंबर विल बी स्किप्ड. यस, 8 विल बी स्किप्ड हेयर. सो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 9. ओके, so here students pattern is formed by skipping 1-1 numbers in between these numbers. Okay, and this pattern will be completed. Okay, next example here students we will take. So students, you can see here I have written 10 20 30, and then next we have to find out what will come. So बच्चों first of all हम patterns को देखेंगे, यहाँ पे कैसा pattern form हो रहा है. So बच्चों यहाँ पे देखो हमने दो numbers के बीच में दो, यहाँ पे जो हमने 10 और 20 numbers हैं इन दोनों के बीच में 10 numbers का difference है, ठीक है? यहाँ पे 10 नंबर्स का हमने यहाँ बच्चों डिफरेंस फाइंड किया है, राइट? सो 10 और 20 के बीच में बच्चों 10 नंबर्स का डिफरेंस है, 20 एंड 30 में अगेन वी कैन सी 10 नंबर्स का डिफरेंस है, राइट? देन 30 के बाद में बच्चों जब हम 10 नंबर्स और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 10 के बाद, 30 के बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बच्चों, हियर 40 विल कम, राइट? व्हाई? बिकॉज जब बच्चों यहाँ देखोगे 20 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 10, तो 10 नंबर्स का हमने डिफरेंस रखा है. ओके, अगेन यहाँ पे जब आप देखेंगे 30 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 नंबर्स का डिफरेंस मिलेगा, राइट? यहाँ पे भी जब आप चेक करोगे बच्चों तो 40 में से 30 माइनस करेंगे जब आप, तो आपको 10 नंबर्स का डिफरेंस मिलेगा, राइट? तो यहाँ बच्चों 10, 20, 30 एंड आफ्टर दैट हियर 40 विल कम. ओके, व्हाई? बिकॉज द पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय द डिफरेंस ऑफ 10 numbers in between these numbers. Okay, so
चिल्ड्रन नाउ वी विल डू अनदर एग्जाम्पल फॉर पैटर्न इन नंबर्स. सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टेकन द काउंटिंग 20, 19, 18, 17 and then we have to find what will come next. So children, हम यहाँ पे पहले pattern को observe करेंगे. तो यहाँ पे बच्चों कैसा pattern form हो रहा है, जब आप यहाँ पे देखेंगे board पे, तो यहाँ जो counting हमने लिखी है बच्चों, it is in reverse order. Okay? That means हम 20 से backward जाएंगे. 20 से पहले बच्चों 19 आता है. And before 19 what comes? 18. Before 18 what comes? 17. So now you always tell me what will come next. Yes, here 16 will come. And then next here 15 will come, right? So बच्चों ये हमने pattern एक observe किया है where reverse counting is used, okay? Pattern यहाँ पे बच्चों कैसे form हो रहा है, by using reverse counting, okay? Next one more example we will do. So in this example children, here first of all we can see that here frog is standing, right? And frog will jump two numbers each time to reach the next number, right? For example, if the frog is standing at 1, okay? 2-2 frog, we are naming it as 2-2 frog. So 2-2 frog will jump two numbers each time so that it can reach next number, okay? So after 1, the frog will jump these two numbers and then it will reach 4, right? After 4, again it will jump two numbers. So it will jump 5 and 6 and then it will reach 7, right? So from 4, it will jump from 5 and 6 and it will reach 7 number, right? Now you all will tell me that 2-2 frog will reach which number next? So here, after 7, tell me students, where frog will reach next? Yes, the frog will reach on 10 number, right? Why? Because after 7, frog जो होगा बच्चों, ये 8 और 9 number को skip करेगा. That means, jump करेगा 8 और 9 number से and it will reach 10, okay? Again, it will skip 2 numbers and it will reach 13, okay? So, 11 and 12 को jump करेगा frog and then it will reach 13, alright? तो बच्चों ये हमने 4 examples patterns in numbers के किए हैं आज, okay? So I hope that you will revise it again and we will do the next topic in next lecture. So thank you for watching.